हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज हमने क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री का एक चैप्टर क्लोथिंग ए सोशल हिस्ट्री का तीसरा पार्ट लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिजाइनिंग द नेशनल ड्रेस का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डिजाइनिंग द नेशनल ड्रेस का हिंदी एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय पोशाक का डिजाइन। 19वीं सदी के अंत तक भारत में चारों ओर राष्ट्रीय भावना पूरी तरह से हिलोरे मार रही थी और भारतवासी राष्ट्रीय एकता को व्यक्त करने वाले सांस्कृतिक प्रतीक गढ़ने में जुट चुके थे। कलाकार राष्ट्रीय शैली की कला तराश रहे थे, जबकि कवि राष्ट्रगान गा रहे थे। राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को लेकर भी बहस पूरी तरह से छिड़ चुकी थी। राष्ट्रीय पोशाक की खोज राष्ट्र की पहचान की प्रतीकात्मक ढंग से परिभाषित करने की इसी प्रक्रिया का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा बना। हिंदुस्तान के कई भागों में ऊंची जाति व वर्ग के स्त्री पुरुषों ने पोशाक को लेकर बहुत सारे सचेत प्रयोग किए। बंगाल के टैगोर खानदान ने 1800 शतक के दशक से ही हिंदुस्तानी मर्दों और औरतों के लिए राष्ट्रीय पोशाक डिजाइन करने की कोशिश की। रविंद्रनाथ टैगोर की राय थी कि भारतीय राष्ट्रीय पोशाक में हिंदुस्तानी और फिरंगी परिधान का नहीं, बल्कि हिंदू और मुस्लिम पोशाक का मेल होना चाहिए। इस तरह बटनदार लंबा कोट यानी चपकन पुरुषों के लिए सबसे सही माना गया। इसी तर्ज पर अलग अलग क्षेत्र की पारंपरिक वेशभूषा से प्रेरणा ली गई। आईसीएस के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्रनाथ टैगोर की पत्नी ज्ञान दानंदिनी देवी 1870 के दशक में मुंबई से कलकत्ते लौट आई। उन्होंने पारसी शैली की साड़ियां अपनाई थी, जिसका पल्लू बाएं कंधे पर ब्रूच से गुथा होता था और उसके साथ ब्लाउज और जूतियां पहनी जाती थी। इसको फौरन ब्रह्म समाजी महिलाओं ने भी अपना लिया और तब से इसे ब्रह्मिका साड़ी कहा जाने लगा। यह शैली जल्द ही महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के ब्रह्म समाजियों और गैर ब्रह्म समाजियों में पूरी तरह से चल चुकी थी। लेकिन अखिल भारतीय शैली विकसित करने की यह कोशिश पूरी तरह सफल नहीं हुई। आज भी गुजरात, कोडागु, केरल और असम की महिलाएं भिन्न भिन्न किस्म की साड़ियां पहनती रहती हैं। इसका अगला है द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। हमने 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ा। अगर हमने गौर किया है होगा तो हमने पाया होगा कि इस आंदोलन के केंद्र में पहनावे की ही राजनीति पूरी तरह से थी। आखिर यह राजनीति क्या थी, इसकी तरफ हम लोग रुख लेते हैं। हमें पता है कि अंग्रेज जब पहले पहल व्यापार करने आए तो हिंदुस्तानी सूती वस्त्र की जबरदस्त मांग पूरी दुनिया में थी। 17वीं सदी में पूरे विश्व के उत्पादन का 1/4 सिर्फ भारत में ही बनता था। 18वीं सदी के मध्य में अकेले बंगाल में 10 लाख बुनकर मौजूद थे। लेकिन ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति ने कताई और बुनाई का मशीनीकरण कर दिया। कच्चे माल के रूप में कपास और नील की मांग पूरी तरह से बढ़ने लगी और इसके साथ ही बदल गई विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का हैसियत। हिंदुस्तान पर राजनीतिक हुकूमत से ब्रिटेन को 2 फायदे हुए। भारतीय किसानों को नील जैसी फसल उगाने के लिए मजबूर किया जा सकता था और सस्ते बने ब्रिटिश उत्पादन आसानी से यहां बने मोटे कपड़ों की जगह खपाए जा सकते थे। नतीजा यह हुआ कि मांग के अभाव में भारत के बुनकर बड़ी तादाद में बेरोजगार हो गए और मुर्शिदाबाद, मछलीपट्टनम और सूरत जैसे सूती वस्त्रों के केंद्र का पूरी तरह से पतन हो गया। लेकिन 20वीं सदी में आकर बड़ी संख्या में लोगों ने ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और उनकी जगह खुरदरी, महंगी और दुर्लभ खादी पहनने लगे। यह बदलाव कैसे आया, इसके बारे में देखते हैं। ब्रिटिश राज के खिलाफ बढ़ते विरोध को काबू में करने के लिए लॉर्ड कजन ने 1905 में बंगाल को विभाजित करने का फैसला किया। बंग भंग की प्रतिक्रिया में स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। पहले तो लोगों से अपील की गई कि वे तमाम तरह के विदेशी उत्पादनों का बहिष्कार करें और माचिस और सिगरेट जैसी चीजों को बनाने के लिए खुद उद्योग लगाएं। जन आंदोलन में शामिल लोगों ने कसम खाई कि वे औपनिवेशिक राज का पूरी तरह से खात्मा करके ही दम लेंगे।
खादी का इस्तेमाल देशभक्ति का कर्तव्य बन गया। महिलाओं से अनुरोध किया गया कि रेशमी कपड़े व कांच की चूड़िया को फेंक दें और शंख की चूड़िया पहने। हथकरघे पर बने मोटे कपड़ों को लोकप्रिय बनाने के लिए गीत गाए गए, कविताएं रची गई। पोशाक में बदलाव की बात ऊंचे तबके के लोगों को ज्यादा भाई, क्योंकि साधनहीन गरीबों के लिए नई चीजें खरीद पाना बहुत ही मुश्किल था। करीब 15 साल के बाद उच्च वर्ग वाले भी वापस यूरोपीय पोशाक पहनना उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि उस समय बहुत सारे लोग राष्ट्रीय में एक साथ आकर जुट चुके थे, लेकिन बाजारों में अटी पड़ी सस्ती ब्रिटिश वस्तुओं को चुनौती देना लगभग पूरी तरह से असंभव था। इन सीमाओं के बावजूद स्वदेशी के तजुर्बों ने महात्मा गांधी को यह सीख अवश्य दी कि ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतीकात्मक लड़ाई में कपड़ों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी। इसका अगला टॉपिक, महात्मा गांधीज एक्सपीरियंस विथ क्लोथिंग, महात्मा गांधी के पोशाक प्रयोग। महात्मा गांधी की सर्वपरिचित छवि वह है जिसमें वे खुले बदन धोती पहने चरखा कात रहे हैं। चरखा कातने और खादी के दैनिक इस्तेमाल को उन्होंने महाप्रतीक में बदल दिया। आत्मनिर्भरता के इस प्रतीकों में ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों का विरोध भी पूरी तरह से प्रतिबंधित था। महात्मा गांधी के वस्त्र संबंधी प्रयोग में भारतीय उपमहाद्वीप में पहनावे के प्रति बदलते रवैया का सार पूरी तरह से छुपा हुआ है। गुजराती बनिया परिवार में पैदा होने के कारण अपने लड़कपन में वे कमीज के साथ धोती या पायजामा पहनते थे और कभी कभार कोट भी वे पहन लेते थे। 19 साल की उम्र में 1885 में जब वे कानून पढ़ने लंदन गए तो उन्होंने अपनी चोटी कटवा ली और बकायदा पश्चिमी सूट अपना लिया ताकि लोग उन पर हंसे नहीं। वापसी पर भी उन्होंने पश्चिमी सूट पहनना जारी रखा, भले ही वे एक पगड़ी और उन्होंने उसके ऊपर डाल ली। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 1890 के दशक में वकालत करते हुए उनका पहनावा पश्चिमी ही पूरी तरह से था, लेकिन जल्द ही उन्होंने फैसला किया कि असूतित रहना एक तरह की राजनीतिक घोषणा है। लुंगी कुर्ता पहनने का पहला प्रयोग उन्होंने 1913 में डरबन में किया, जब कोयला खदान मजदूरों को गोली मारे जाने के खिलाफ सिर मुड़ाकर उन्होंने अपना सार्वजनिक शोक भी व्यक्त किया। भारत वापसी पर 1915 में वह काठियावाड़ी किसान की वेशभूषा में रहने लगे। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। साल भर में स्वराज हासिल करने के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन शुरू करने के एक साल बाद 2 सितंबर 1921 को उन्होंने ऐलान किया। गांधी जी ने ऐलान किया कि मैं चाहता हूं कि 21 अक्टूबर तक कम से कम अपनी टोपी और गंजी को त्याग दूं और सिर्फ धोती से काम चलाऊं और तथा देह बचाने के लिए कभी कभी चादर ले लूं। मैं इस बदलाव की सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुतेरे में मेरी आस्था नहीं है, यानी मैं दूसरों से ऐसा कुछ करने को नहीं कहूंगा जो खुद नहीं कर सकता। जब तक उन्होंने यह तय नहीं किया था कि वे यही पोशाक जीवन भर पहनेंगे, बल्कि वह 1-2 महीने के लिए प्रयोग भर करना चाहते थे, लेकिन जल्द ही इसमें उन्हें गरीबी के प्रति निष्ठा का भाव दिखा तथा उन्होंने कभी कोई भी वस्त्र उसके बाद धारण नहीं किया। हिंदुस्तान के फकीर सन्यासियों का बाना सचेत रूप से छोड़कर उन्होंने निर्धनता भारतीय के पहनावे अपनाया। सफेद और खुरदरी खादी उनके लिए शुद्धता, सादगी और गरीबी की प्रतीक थी। इसे पहनना राष्ट्रभक्ति का पर्याय हो गया और पश्चिमी मिल उत्पादित कपड़ों के विरोध का भी पूरी तरह से पर्याय हो गया। जब 1931 में गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए तो बिना कमीज के वही छोटी धोती पहने हुए। जब बंकिंघम पैलेस जाने की बारी आई तो उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया और सम्राट जॉर्ज पंचम के सामने भी धोती में ही वे चले गए। जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि सम्राट के हुजूर में जाने के लिए उन्होंने पर्याप्त कपड़े नहीं पहन रखे हैं तो उन्होंने मजाक मजाक में जवाब दिया कि सम्राट ने हम दोनों के हिस्से के कपड़े तो खुद ही पहन रखे हैं। नॉट ऑल कुड वियर खादी, खादी पहनना सबके बूते में नहीं था। महात्मा गांधी का सपना था कि पूरा राष्ट्र खादी पहने। उन्हें लगता था कि खादी से जाति धर्म आदि के भेद पूरी तरह से मिट जाएंगे,
लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलना क्या सबके लिए आसान था? क्या इस तरह की एकता मुमकिन थी? बहुत सारे लोग उनके जैसा एक हरा किसानी वस्त्र नहीं अपना सकते थे, सब चाहते भी नहीं थे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि गांधी के आह्वान पर कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। इलाहाबाद के सफल वकील और राष्ट्रवादी मोतीलाल नेहरू ने अपना बेशकीमती पश्चिमी सूट त्याग दिया और हिंदुस्तानी धोती कुर्ता अपना लिया, लेकिन उनकी पोशाक मोटे खुरदुरे कपड़ों की न होकर बारीक कपड़ों से बनी होती थी। जाति प्रथा के चलते सदियों से वंचित तबके का पश्चिमी शैली के कपड़ों के प्रति सहज ही आकर्षण था। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे राष्ट्रभक्तों ने पाश्चात्य शैली का सूट कभी नहीं छोड़ा। कई सारे दलित 1910 के दशक में सार्वजनिक मौके पर जूते, मोजे और थ्री पीस सूट पहनने लगे, जो कि उनकी तरफ से आत्मसम्मान का राजनीतिक पूरी तरह से वक्तव्य था। एक महिला ने 1928 में महात्मा गांधी को महाराष्ट्र से लिखा, एक साल पहले मैंने आपको हर किसी के खादी पहनने को गंभीर जरूरत पर बोलते सुना और हमने खादी अपनाने की ठानी, लेकिन हम गरीब गुरबा हैं। हमारे पति कहते हैं कि खादी महंगी है। मैं मराठी होने के नाते 9 गज की साड़ी पहनती हूँ और बड़े बुजुर्ग उसे घटाकर 6 गज करने की बात पर राजी नहीं होंगे। सरोजनी नायडू और कमला नेहरू जैसी महिलाएं भी सफेद हाथ से बुने मोटे कपड़े की जगह रंगीन तथा डिजाइनरदार साड़ियां ही पहनती थी। इसका कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों, इसको देखते हैं। इसका निष्कर्ष, इस तरह पहनावे में बदलाव का इतिहास एक तरफ जहां सांस्कृतिक रुचि और सौंदर्य की परिभाषा में बदलाव से जुड़ा हुआ था, वहीं यह आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन व राजनीतिक संघर्ष के मसलों से भी पूरी तरह से उलझा हुआ था। इसलिए वेशभूषा में जब परिवर्तन दिखे तो हमें पूछना चाहिए ये परिवर्तन क्यों होते हैं, इनमें हमें समाज और उसके इतिहास के बारे में क्या पता चलता है, इनमें हमें रुचि तथा टेक्नोलॉजी, बाजार और उद्योग में आए किन बदलाव के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये था एक चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।